सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद। नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे एलडीसी मॉडल पे प्रचार, पार्ट नंबर 1 होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 32 होंगे और ये एलडीसी एग्ज़ाम चाहे तो सब इंस्पेक्टर एलडीसी एग्ज़ाम हो चाहे हेड कॉन्स्टेबल, दोनों के लिए दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों जिस प्रकार हेड कॉन्स्टेबल एलडीसी के एग्ज़ाम में सिलेबस बनाया गया है, यानी 160 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 70 प्रोफेशनल से, 60 जीके जीएस मैथ और इंजीनियरिंग से और 30 हिंदी से, उसी प्रकार ये 160 नंबर के ही मॉडल पेपर बनाए गए हैं। लेकिन इसमें एक मॉडल पेपर में 5 वीडियो यानी कि 32-32 करके क्वेश्चन की वीडियो बनाई जा रही हैं और इन 32 क्वेश्चन में भी इसी प्रकार क्वेश्चन मॉडिफाई किया गया है। इससे पहले 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 7 और 10 नंबर मॉडल पेपर हो चुके हैं। आज 4 नंबर मॉडल पेपर का पार्ट नंबर 1 है। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 पे। निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? ए नेपाली, बी कश्मीरी, सी सिंधी और डी अंग्रेजी। तो दोस्तों अंग्रेजी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 2, विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है? ए चीन में, बी तुर्की में, सी इराक में, डी फ्रांस में। तो दोस्तों यह तुर्की में स्थित है। प्रश्न नंबर 3 है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? ए 30%, बी 40%, सी 60%, डी 70%। तो दोस्तों 60% जो है राजस्थान का क्षेत्रफल का थार मरुस्थल है। प्रश्न नंबर 4 है, IBSA संवाद मंच के सदस्य कौन कौन है? तो दोस्तों जिस प्रकार नाम है आप देख सकते हैं, ए फॉर इंडिया, बी फॉर ब्राजील और एस फॉर साउथ अफ्रीका और एस ए फॉर साउथ अफ्रीका। तो इसमें भारत, ब्राजील और दक्षिणी अफ्रीका यानी ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन ही इसका राइट होगा। प्रश्न नंबर 5 है, ब्रिक्स के सदस्य देश है, जैसे कि आप नाम से ही देख रहे होंगे, इसमें बी फॉर जो ब्राजील है, आर फॉर रूस है, आई फॉर इंडिया है, सी फॉर चीन है और एस फॉर साउथ अफ्रीका है। तो इसमें भी सीधा आपको मैं आंसर बता रहा हूँ, सी आंसर इसमें राइट है। प्रश्न नंबर 6 है, भारत में निम्न नदी में किसकी उत्पत्ति हुई है? ए गंगा की, बी सतलज की, सी चिनाब की, डी ब्रह्मपुत्र की। तो दोस्तों क्वेश्चन ये गलत है, इसके लिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। प्रश्न नंबर 7 है, यक्षशाला में कौन सा समास है? ए दंत तत्पुरुष समास है, बी दंद समास है, सी दिगु समास है या डी कर्मधारक समास है। तो दोस्तों ए में जो है इसमें ए तत्पुरुष समास है यक्षशाला में। प्रश्न नंबर 8 है, धनहीन में कौन सा समास है? ए दिगु समास है, बी दंद समास है, सी तत्पुरुष समास है, डी कर्मधारय है। तो दोस्तों इसमें भी धन से हीन है तो तत्पुरुष समास है। प्रश्न नंबर 9 है, पाप मुक्त, पाप से मुक्त कौन सा समास है? तो दोस्तों जहाँ का, की, के, रा, री, सा, से आदि शब्द आए वहाँ पर पूरा तत्पुरुष समास आता है। तो दोस्तों इसमें ए में तत्पुरुष, बी में दंद, सी में दिगु और डी में क्रमधारय, तो इसमें भी तत्पुरुष समास है। प्रश्न नंबर 10 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में प्रथम महिला बटालियन का गठन कब हुआ था? ए 6 फरवरी 1985 को, बी 6 फरवरी 1986 को, सी 6 फरवरी 1987 को, डी 6 फरवरी 1988 को। तो 6 फरवरी 1986 को प्रथम महिला बटालियन 88 का गठन हुआ था। प्रश्न नंबर 11 है, पुलिस शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ए है 20 अक्टूबर को, सी है 21 अक्टूबर को, सी बी 21 अक्टूबर, सी 22 अक्टूबर, डी 23 अक्टूबर। तो बी ऑप्शन सही है, 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, सीआरपीएफ में एनडीआरएफ की बटालियन कितनी है? ए में 3 है, बी में 4 है, सी में 6 है और डी में 2 है। तो टोटल 3 बटालियन है, ए ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 13 है, खुली गिरफ्तारी ओपन अरेस्ट का वर्णन किस केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम में है? अधिनियम 2 के डी में, बी में दिया 2 का सी, सी में 2 का ही और डी 2 का बी। तो दोस्तों ये सी सही है, 2 का ई में दिया गया है। प्रश्न नंबर 14 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अन्य रैंक को कश्मीर में कितना रिक्स अलाउंस मिलता है? ए में 17,300, बी में 17,600, सी में 17,400, 17,500। तो 17,300 रुपये। प्रश्न नंबर 15 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस में हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन होते हैं? डीआईजी होते हैं।
बी आईजीपी होते हैं, सी कमांडेंट या डी डीजीपी। तो दोस्तों आईजीपी जो होते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहा जाता है, हेड ऑफ ऑफिस कमांडेंट को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16 है, निंदा या घोर निंदा की सजा हेड कांस्टेबल को कौन दे सकता है? ए डीआईजी, बी आईजीपी, सी कमांडेंट, डी डीजीपी। तो कमांडेंट दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से लापता संख्या क्या है? 3, 8, 18, 23, 33 क्वेश्चन मार्क 48। तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे 3 में 5 जोड़ा 8 हो गया, 8 में 10 जोड़ा, यानी कि एक बार 5 जोड़ा गया, एक बार 10 जोड़ा गया, आप लगा सकते हैं। तो 23 में अगर आप 10, यानी कि 23 में एक 5 जोड़ेंगे तो 38 आ जाएगा, एक बार अगली बार 10 जोड़ा गया, तो इस प्रकार 5, 10 का क्रम बनाया गया है। प्रश्न नंबर 18 है, एक निश्चित कोड में क्लॉक को KCOL के लिखा गया, तो उसी कोड में स्टेप को कैसे लिखा जाएगा? तो दोस्तों इसमें क्या किया है, सीधा इसका उल्टा कर दिया है। तो इसमें भी आप देखेंगे SPET S, तो यह दोस्तों सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप मेरी रीजनिंग अगर सही करना चाहते हैं तो रीजनिंग पढ़ने से ज़्यादा रीजनिंग के कॉन्सेप्ट देख लें। मैंने अल्फाबेट्स और नंबरिंग वाला कॉन्सेप्ट, किस किस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनते हैं और किस कॉन्सेप्ट पर काम होता है, अगर आपने वो एक बार कॉन्सेप्ट को ठीक से पढ़ लिया तो क्वेश्चन देखते ही आप समझ जाएंगे किस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बनाया गया है। आप कितना भी रीजनिंग को पढ़ लें लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएंगे या क्या क्या कॉन्सेप्ट किस रीजनिंग में काम करता है, जब तक आप इतना अच्छे से रीजनिंग नहीं कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 19 है, पहले सेट में अक्षों का एक निश्चित संबंध है, इस संबंध के आधार पर दूसरे सेट को विकल्प को चुनिए। बी डी एफ एच ओ एम के आई। तो दोस्तों पहले देख रहे होंगे बी है, सी छोड़ दिया है, डी है, ई छोड़ दिया, एफ है, जी छोड़ दिया, एच है, आई जे छोड़ दिया, के है, एम छोड़ दिया, जे के आई जे के एल छोड़ दिया, एम है, एन छोड़ दिया, ओ है, यानी कि तो इसमें इसी तरह जो क्रम निकालोगे, कहने मतलब एक छोड़ के दूसरा आ गया है और सेकंड वाले में उल्टी तरफ से किया गया है, तो दोस्तों इसमें एल एन पी आर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, अनुक्रम में गलत संख्या ज्ञात कीजिए, 52, 51, 48, 43, 34, 27, 16। तो दोस्तों इसमें जो है एक क्रम घटाया गया, जैसे 52 में से 51 हुआ तो एक, फिर 3, फिर 5, फिर यानी एक क्रम बना दिया गया है। तो आप इस तरह अगर देखेंगे तो इसमें जो है 34 गलत संख्या आएगी। प्रश्न नंबर 21 है, 1 से 9 तक के अंकों के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, 1710, बी 285, सी 1155, डी 612। तो इसका 285 होता है। प्रश्न नंबर 22 है, 2779 यानी 2779 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए? तो आपको एक तो आइडिया होना चाहिए पूर्ण वर्ग कैसे बनते हैं। तो जैसे पूर्ण आप कोई भी पूर्ण वर्ग किस प्रकार बनाया जाता है, जैसे 2 का पूर्ण वर्ग 4 है, 4 का 16 है और 10 का 100 है, तो आपको इसी प्रकार पता होना चाहिए 40 का कितना है, 1600 है, और जो है 50 का कितना है। इस तरह आपको होगा तो पूर्ण वर्ग में बनाने के लिए कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो इसमें 25 जोड़ा जाएगा तो पूर्ण हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, 2475 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कौन सी संख्या घटाया जाए, यानी कि इसमें कौन सी संख्या घटा दी जाए जो आप पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ए में 85 घटाया जाए, बी में 74, सी में 90 और डी में 63। तो दोस्तों 74 घटाने से यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, यदि 6 बिल्लियाँ 6 चूहों को 6 मिनट में मार सकती हैं तो 10 बिल्लियाँ 10 चूहों को कितने मिनट में मारेंगी? तो दोस्तों क्वेश्चन बस घुमाया हुआ, बहुत ही आसान है। 6 बिल्लियाँ हैं, 6 चूहों को 6 मिनट में मारती हैं, तो 10 बिल्लियाँ 10 चूहों को कितने मिनट में मारेंगी? तो ए में 10 मिनट में, बी में 8 मिनट में, सी में 6 मिनट में, डी में 4। तो दोस्तों वो 6 मिनट में ही मारेंगी, उसकी जगह बस संख्या बढ़ जाएगी। प्रश्न नंबर 25 है, मालती आवत देखी कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लियो कली हमार बार। ये पंक्ति निम्न में से कौन सा अलंकार की ओर इशारा करती है? सर्वेश अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार या मानवीकरण अलंकार? तो यह डी है, मानवीकरण अलंकार। प्रश्न नंबर 26 है, चरण कमल बंदो हरी में इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्ष अलंकार है, उपमा है, यमक है या रूपक है? तो दोस्तों इसमें रूपक अलंकार है।
प्रश्न नंबर 27, जब उपमेय तथा उपमान में पूर्ण रूप भ्रम हो जाए तो कौन सा अलंकार होता है? संदेह अलंकार, भ्रातिमान अलंकार, विभावना अलंकार, डी असंगति अलंकार। दोस्तों डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा, लेकिन वीडियो पूरा कर देता हूँ। भ्रातिमान अलंकार, भार से बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है। प्रश्न नंबर 28, अवकाश के लिए रेलवे वारंट किसमें परिभाषित है? तो दोस्तों इसमें 1955 के 91 में परिभाषित है। प्रश्न नंबर 29 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस में स्पेशल नियुक्ति वेतन किस नियम में दिया गया है? तो दोस्तों नियम नंबर 44, ए ऑप्शन इसका राइट है। प्रश्न नंबर 30 है, सप्ताह अधिकारी की नियुक्ति कब से कब के लिए होती है? तो दोस्तों इसमें सोमवार से सोमवार के लिए की जाती है। प्रश्न नंबर 31 है, 114 आरब बटालियन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह 114 बिहार हाजीपुर में इसका मुख्यालय बनाया गया है। प्रश्न नंबर 32 और वीडियो का लास्ट है, 213 बटालियन का मुख्यालय कहाँ है? तो 213 बटालियन का अजमेर राजस्थान में है, यह एक महिला बटालियन है। और दोस्तों मैंने इसके पूरे 10 सेट बनाए हैं, जिन लोगों ने ले लिए हैं और जिसने नहीं लिए हैं वो लेना चाहता तो ले सकता है। और इसके साथ ही पूरा का पूरा संपूर्ण LDC एग्ज़ाम के संबंधी पूरा कोर्स सिलेबस के अनुसार बनाया गया है, उसको भी लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको आने वाली वीडियो मिल जाए। और साथ ही स्पेशल कुछ वीडियो बनाई हैं उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे YouTube पे ज्वाइन वाला बटन दबा दें, या फिर जो मैं एक नीचे नंबर दे रहा हूँ उस पर गूगल पे या आप फोन पे भी कर सकते हैं ज्वाइन का, जितना भी उसमें लग रहा है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।